दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हमने न्यूज़ ऑटो पोस्टिंग की वेबसाइट बनानी है। ऑटो स्पिनर की वेबसाइट भी ये हो सकती है और ये ऑटो पोस्टिंग की वेबसाइट भी हो सकती है। दो प्लगइन इसमें हम लोग यूज़ करेंगे। एक प्लगइन से जो पोस्टें हैं वो स्पिन होंगी, मतलब उसका डाटा ऑटोमेटिकली स्पिन हो जाएगा, आगे पीछे हो जाएगा, इससे प्लेजरिज्म रिमूव हो जाएगा। और दूसरा कि उसको वो ऑटो पोस्ट कर देंगी हमारी वेबसाइट पे, तो इसके लिए हमें इतनी ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी कंटेंट पे, तो ऑटोमेटिकली दूसरी वेबसाइट से डाटा आएगा और ये हमारी वेबसाइट में पोस्ट होता जाएगा। तो कैसे बनेगी ये वेबसाइट, तो अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं। तो सबसे पहले तो आपने जो आपने न्यूज़ वेबसाइट बनाई हुई है तो उसके डैशबोर्ड में आ जाना है। ये न्यूज़ वेबसाइट कैसे बनाई जाती है ये भी ऑलरेडी एक वीडियो में बना चुका हूँ। ये बिल्कुल इस तरह की वेबसाइट, ऐसी वेबसाइट कैसे बनाई जाती है तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और यहाँ ऊपर आई बटन पे भी शो हो रही होगी। तो अगर आपको न्यूज़ वेबसाइट बनाना नहीं आता तो आपने वो वीडियो देख के ऐसी वेबसाइट बना लेनी है। अगर इतना तक आपकी वेबसाइट बनी हुई है तो आप वो प्लगइन इंस्टॉल कर लोगे। अब वो प्लगइन जो ऑटो स्पिनर है या WP ऑटोमेटेड है तो उसकी लिंक में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपने डाउनलोड कर लेनी है। तो सबसे पहले यार प्लगइन इंस्टॉल करना है, डाउनलोड नहीं करना, हम लोगों ने इंस्टॉल करनी है। तो यह प्लगइन सेक्शन में आना है और ऐड न्यू पे करेंगे क्लिक, अपलोड प्लगइन पे करेंगे क्लिक और आप जो है वो प्लगइन मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ, चूज़ कर लेता हूँ। डेस्कटॉप पे ये मेरे पास पड़ी है, ये प्लगइन मैं आपको फ्री में दे दूँगा, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। इंस्टॉल नाउ, एक्टिवेट। जी अब प्लगइन इंस्टॉल हो चुकी है, ये हमारे पास आ चुकी है ऑटो स्पिनर। अब इसकी सेटिंग पे आ जाते हैं, कुछ सेटिंग हम लोग कर लेते हैं। ये सेटिंग पे करना है क्लिक, तो ऑटो स्पिन एक्टिवेट स्पिन मोड फॉर पोस्ट से एक्टिवेट कर देना है ऑटो। यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है, कौन सी लैंग्वेज आप रखना चाहते हो, कुछ 7-8 लैंग्वेज दी गई है। स्पिन टाइटल, टाइटल को स्पिन करना है, डोंट जो कंटेंट है, जो पोस्ट का कंटेंट है वो स्पिन नहीं होगा, लेकिन इसे हम लोग छोड़ देंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि उस वेबसाइट का टाइटल है वो भी स्पिन हो जाए और कंटेंट भी स्पिन हो जाए। स्लग लिंक होते हैं, जो स्लग होते हैं यानी कि ये वाले, उसे भी स्पिन कर दे, लिंक को भी इससे भी कर दे, मैनुअली जो लिखे गए हैं उसे भी कर दे स्पिन इंस्टेंटली, यानी जब पब्लिश हो पोस्ट उसी वक्त इसे स्पिन कर दे। तो इसको मैं चेक कर देता हूँ। ड्राफ्ट वाली करनी है, ये इंटरनल सिनोनिम, इनको आपने आप इनको चेक कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, तो मैं इसे छोड़ रहा हूँ। ये कस्टम आ जाता है, इसको भी मैं छोड़ रहा हूँ, इंटरनल को इसे भी मैं छोड़ रहा हूँ। तो अब इसको ये यहाँ पे जो सेटिंग मैंने कर दी है तो इसको मैं सेव कर दूँगा, सेव सेटिंग पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है। अब यहाँ से कोई चीज़ आप एक्सक्लूड करना चाहते हो तो उसे चेक कर देना है सिंपली। कोई कैटेगरी आप एक्सक्लूड करना चाहते हो तो यहाँ से भी आप चेक करके सेव सेटिंग पे क्लिक कर दोगे। अब यूज़ बिल्ट इन सिनोनिम डेटाबेस, जो बिल्ट इन है तो उसी के साथ हमने काम चलाना है, तो सेव सेटिंग पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ तक सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लोग WP ऑटोमेटिक प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के लिए वही प्लगइन सेक्शन में आना है और ऐड न्यू पे क्लिक कर देना है, अपलोड, चूज फाइल, WP ऑटोमेटिक, ये वाली मेरे पास पड़ी है, ये इंस्टॉल नाउ, एक्टिवेट, ठीक है। अब WP ऑटोमेटिक ये वाली, इसकी भी कुछ सेटिंग हम लोग देख लेते हैं। तो ये सेटिंग पे करते हैं क्लिक। अब यहाँ पे कुछ सेटिंग आपने रख लेनी है, अगर आप अमेज़ॉन पे कर रख रहे हैं, क्लिक बैंक पे, इजी आर्टिकल, इजी इन आर्टिकल, ठीक है ना, द बेस्ट स्पिनर सेटिंग करना चाहते हो आप, इसको सेटिंग आप चेंज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे कोई काम नहीं है। तो हम लोग यहाँ कंपेन पे आते हैं, ये न्यू कंपेन पे मैं क्लिक कर देता हूँ क्योंकि नई कंपेन मैं बनाना चाहता हूँ, इस पर करूँगा क्लिक। अब एक वेबसाइट मैं देखूँगा न्यूज़ के लिए, गेट इंडिया न्यूज़ के नाम से एक वेबसाइट है, तो ये यहाँ से मैं, अब यहाँ पे हम लोग कंपेन बनाएंगे तो कंपेन का नाम रख लेते हैं। यहाँ पे कोई कैटेगरी हम लोग चूज़ करते हैं, ये स्पोर्ट्स कैटेगरी में चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, ये स्पोर्ट्स,
यहाँ पे अपडेट पे क्लिक कर देना है। अपडेट पे क्लिक करने के बाद अब ये है एक स्पोर्ट्स कैटेगरी, तो स्पोर्ट्स यहाँ पे चूज कर लेना है कि कंटेंट कंपेन में हमने कंटेंट कैसे लाना है। तो हम लोग फीड से लेके आएंगे, न्यूज फीड से। तो न्यूज फीड मैक्सिमम नंबर ऑफ पोस्ट कंपेन विल स्टॉप, मैक्सिमम नंबर कितने, 2000 तक मैं ही रहने देता हूँ। फ्रॉम फीड लिंक, अब यहाँ से हम लोगों ने लिंक उठा लेनी है। तो लिंक के लिए ये यहाँ पे मैं लिखता हूँ फीड इसके आखिर में, तो ये अब न्यूज फीड इसके ये यहाँ से उठा लेगा। तो अब मैं इसे कर लेता हूँ कॉपी, ठीक है, ये मैंने कर लिया कॉपी। और कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं ये पेस्ट कर दूंगा। अब मजीद थोड़ी सी सेटिंग हम लोग देख लेते हैं। सिंगल आइटम, ठीक है ना, टाइटल, एग्जीक्यूशन मेथड, ऑटो डिटेक्ट फुल कंटेंट, ठीक है ना, फुल कंटेंट है जो भी पोस्ट का वो आ जाना चाहिए। अब यूजिंग आईडी स्पेस, कस्टम फील्ड टैग, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें उठा ले। वो चीज़ आप रखना चाहते हैं एड पोस्ट विद इट्स ओरिजिनल ओरिजिनल टाइम, नहीं कैटेगरी, ओरिजिनल कैटेगरी, ठीक है, ओरिजिनल कैटेगरी, यानी कि कैटेगरी का ऑप्शन हम आखिर में सेट कर लेंगे। सेट मेटा टैग, वर्डप्रेस टैग, एक्सट्रैक्ट ओरिजिनल टैग्स, ठीक है ना, जो भी सेटिंग आप यहाँ पे रखना चाहते हो आप रख सकते हो। ओरिजिनल टाइटल, ठीक है, ओरिजिनल टाइटल ही आएगा लेकिन वो स्पिन हो जाएगा क्योंकि ये प्लगइन हम लोगों ने ऑलरेडी यूज़ की हुई है। तो अब यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए, आखिर में सोर्स लिंक आ जानी चाहिए, हम सोर्स लिंक नहीं दे रहे, ठीक है ना। एड वन मैच कंटेंट, ये ऐसे आ जाएगा, पोस्ट आ जाएगी, टाइट आथर कौन सा आप रखना चाहते हो, किस आथर के नाम से ये कंपेन यानी पोस्ट शो होनी चाहिए, किस आथर में, तो एक ही आथर है ये यहाँ पे। न्यू पोस्ट स्टेटस पब्लिश, ठीक है, अब ये इमेज फ्रॉम द टाइटल, डाउनलोड इमेज फ्रॉम द कंटेंट टू माय सर्वर। अब यहाँ पे कैटेगरी चूज कर लेनी, यहाँ पे कोई चीज़ आप रखना चाहते हो रख लो, छोड़ना चाहते हो आप छोड़ दो, मैं छोड़ रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है कैटेगरी स्पोर्ट्स की हम लोगों ने फीड उठाया है, वहाँ से कंपेन भी स्पोर्ट्स की बनाई है, तो हम कैटेगरी भी स्पोर्ट्स चूज कर लेंगे। तो ये स्पोर्ट्स हमने रख लिया। पोस्ट फिल्टर, ठीक है ना, ये भी आप चूज कर सकते हो ट्रांसलेट, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने WP ऑटो स्पिनर ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। तो इसे वैसे का वैसे छोड़ने के बाद अब यहाँ पे हम लोगों ने टाइमिंग सेलेक्ट कर लेनी है कि कितनी देर में पोस्ट, कितने मिनट बाद, जो मिनट्स में होनी चाहिए, आवर में होनी चाहिए, 1 आवर, ठीक है ना, 1 आवर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब अपडेट पे मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, कंपेन अब रन हो चुकी है मेरे पास। इसको मैं रन करता हूँ, अब ये रन कंपेन पे करते हैं क्लिक। अब देखें ये आ गया, एक पोस्ट वहां से उठा ली है और इसे स्पिन भी कर लिया होगा। इसी तरह से न्यूज वेबसाइट हम लोग बना सकते हैं और उसे ऑटो पायलट भी डाल सकते हैं और उसे ऑटो स्पिन पे भी इसी तरह से हम लोग डाल सकते हैं। तो असल जो मसला था वो था प्लगइन का, प्लगइन का मसला भी मैंने हल कर दिया। ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको प्लगइन मिल जाएगी बिल्कुल फ्री में, आपने डाउनलोड कर लेनी है। तो इसी तरह से आपने न्यूज़ वेबसाइट बना लेनी है और उसे ऑटो पायलट पे डाल देना है। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है, न्यूज़ वेबसाइट बनाने के लिए आपने जल्दबाजी नहीं करनी। जल्दबाजी का मतलब है कि आपने नई वेबसाइट बनाई और उसे ऑटो पे डाल दिया, तो थोड़ा सा आपने रुक जाना है, थोड़ा सा आपने ठहर जाना है, 15-20 दिन आपने मैनुअली उस पर पोस्ट डालनी है, 15-20 पोस्ट या आप डाल दो मैनुअली, ठीक है ना, स्पिन करके, या YouTube का जो एक तरीका है वो उसकी वीडियो भी मैंने बनाई हुई है कि YouTube से आपने कैसे आर्टिकल उठाना है। 3-4 मेथड मैंने इसी चैनल पर अपलोड किया हुए हैं कि आपने कैसे यूनिक आर्टिकल उठाने हैं। तो यूनिक आर्टिकल 20 से 25 आपने डाल के एडसेंस अप्रूव करा लेना है, जब एडसेंस अप्रूव हो गया फिर आपने उसे ऑटो पायलट पे डाल देना है। तो इसी तरह से जब बहुत ज़्यादा कंटेंट जाएगा तो यानी न्यूज़ में भी कंसाइडर हो जाएगी और न्यूज़ में भी इजीली अप्रूव हो जाएगी। ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन दिया गया है ये घंटी का निशान, इस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देना है। इस तरह क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊँगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो मैं आपसे फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।